हर दफा ना 14 अगस्त पे ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होती है पिंडी इस्लामाबाद में, और हम पूरा प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम जाएंगे। सो जो लोग ब्लॉग्स देखते हैं ना उनको तो पता ही होगा, बट इस दफा इतना सन्नाटा है ना, यहाँ पे किसी ने घरों में फ्लैग्स लगाए ना, मैंने देखा गाड़ियों में लोग फ्लैग्स डाल के जो घूमते थे वो भी नहीं कर रहे इस दफा कोई। मतलब लोगों का ना इस दफा जोश और जज्बा ही हुई नहीं है। मतलब ये साल बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत ज्यादा बुरा। किसी को सियासी फैसले लेने का हक नहीं है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे जो बोलता है उसको कहते हैं ना इतने सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर हो जाओ आपके, वो जो काली गाड़ी होती है वो खुद आपको घर से उठाने आए, तो वो वाला सीन हुआ है अभी। सो लेट्स सी कि आज हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा ना कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है बहरिया में भी। सो बस अल्लाह करे, अल्लाह पाक इस मुल्क को ता कयामत दाइम और सलामत और कायम रखे, आमीन सुम आमीन, हैप्पी इंडिपेंडेंस। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान छोड़ कर चले गए हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे अभी वेट कर रहे हैं बेसी में, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज और वीडियोस देखती हूँ और मुझे उन इन्फ्लुएंसर के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा आता है जो इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोगों के पास अगर पैसा है तो आप लोग बाहर चले जाओ। वो उनको ये मोटिवेट नहीं करते कि मैं भी तो पाकिस्तान में बैठ कर कमा रहा हूँ ना, बेशक यूट्यूब से कमा रहा हूँ, इंस्टाग्राम से कमा रहा हूँ या अपने ब्रांड से कमा रहा हूँ, तो तुम लोग भी कमा सकते हो। वो उनको ना शॉर्टकट बताते हैं कि आप बाहर चले जाओ। अभी आपने पिछले दिनों में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी एक बच्चे की, जो 18 साल का था, इकलौता बेटा और इकलौता भाई था, वो पढ़ने के लिए गया हुआ था बाहर, और वहाँ जाके उसने नियाग्रा फॉल में पता नहीं कूद के खुदकुशी कर ली या मर गया या जिस भी रीज़न से उसकी डेथ हुई है। अब सोचे माँ और बहनों पे क्या गुजर रही हो कि बॉडी भी नहीं मिली, और सेम ऐसे जो लोग लीबिया जाते हैं फिर वहाँ से कश्ती के थ्रू जाते हैं यूनान की तरफ, कितने लोगों डूब के मरे हैं। सो क्यों अपने मुल्क में लोग काम करते हो, बाहर जाके गटरे भी धो लेते हैं यार, बहुत दुख।